नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं फायरिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आप बिगिनर हैं, आप नए हैं और आपको इवेंट का काम शुरू करना है या आपके नज़दीक में इवेंट है और आपको उसका ऑर्डर लेना है, किस तरह से उसको अरेंज करना है ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और कम दाम में भरपूर रोशनी जिसको बोलते हैं, आपको शुरुआत के लिए कम पैसे में इवेंट का स्टार्टिंग करना है तो ये बढ़िया वीडियो है। तो चलो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और ऑल इंडिया हम डिलीवर करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं तो होलसेल के रेट और सभी प्रोडक्ट और फोटो वीडियो आपको सब मिल जाएंगी। तो वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग वीडियो पूरा नहीं देखते और बहुत सारे चीज़ों के बारे में कमेंट करते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं शॉर्ट बट स्वीट में ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 8 चैनल वाला रिमोट सिस्टम है। ये ब्लैक जो कलर के हैं उसको रिसीवर बोलते हैं और जो वाइट कलर के ये दो हैं उसको रिमोट बोलते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये 8 है तो 8 के ऊपर क्या है, जैसे देख रहे हैं Q08A, Q08A, ये नंबर के दो रिसीवर है, बी के दो रिसीवर है, सी के और डी के दो रिसीवर है। और इनको ऑपरेट करने के लिए इस तरह का एक रिमोट आता है जिसमें कि ABCD लिखा है। जैसे ए वाली बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये दो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट का मतलब इसमें जो भी हम पायरो लगाएंगे, इस तरह का पायरो आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पायरो यूज़ किया है। जब हम इसको यूज़ करेंगे या इसको कनेक्ट करेंगे तो ये फायर हो जाएगा। तो ये रिमोट से क्या हो जाएगा, जो जैसे ये रिमोट, मतलब जैसे कि ये फर्स्ट वाला रिमोट है, ये फर्स्ट वाले रिमोट का ए वाली स्विच को प्रेस करेंगे तो दो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, बी में दो, सी में दो, डी में दो, ऐसे इस तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि हमको एक ही साथ सभी एक्टिवेट करना है तो ये दूसरा रिमोट है जिसमें कि एक ही स्विच है और इसको यदि प्रेस करते तो ऑल एक्टिवेट हो जाएंगे, सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। हम अपने मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ हम इसको लगा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिमोट के अंदर छोटी वाली बैटरी रहती है, उससे ये रिमोट ऑपरेट होता है। और ये रिसीवर है तो रिसीवर के अंदर छोटे वाले बैटरीज रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डबल ए साइज़ की बैटरी है। डबल ए साइज़ मतलब हमारे घर में जो दीवार के ऊपर जो वॉच रहती है उसमें ये यूज़ होने वाली ये बैटरी रहती है, डबल ए साइज़ की बैटरी है ये। एक इसमें 4 बैटरी रहती है। तो इस तरह का सिस्टम है। ये बैक कवर मैं इसको पीछे लगा देता हूँ। हम देखेंगे कि यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच को ऑपरेट करने से इधर में चालू बंद हो जाता है। ये जो रेड और ब्लैक देख रहे हैं ये कनेक्टर है, इसको वायर कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो दो इंडिकेशन है, एक रेड वाला है और एक येलो वाला है। जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो एक इंडिकेशन चला जाता है, इससे मतलब हमने जो भी सिस्टम कनेक्ट किया है वो ओके हो रहता है। और पीछे में देखोगे तो पीछे में यहाँ पे एक होल है, तो होल का मतलब ये है कि इसको पेयर कर सकते हैं। पेयरिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया गया है, तो इसको पेयरिंग प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। ये बढ़िया सिस्टम रहता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसे कि ये वाला सादा वाला फ्यूज़ है, ये हीटिंग वाला फ्यूज़ है। ये 8 चैनल वाला स्लिम वाला मॉडल की स्पेशलिटी ये है, जैसे कि उसको बोलेगा फेस्टिव बलून। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि ये सिर्फ बलून के ऊपर काम करेगा, नहीं, ये बलून के अलावा सभी में काम करेगा। सभी मतलब सभी, जैसे कि ये सादा वाला फ्यूज़ है, ये हीटिंग वाला फ्यूज़ है। इसकी स्पेशलिटी यही है कि हीटिंग वाले फ्यूज़ पर काम करता है। हीटिंग वाला फ्यूज़ जो मशीन में काम करता है उसको यूनिवर्सल मशीन बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है। जो कि ये स्लिम वाले मॉडल जिसमें 1.5 वोल्ट की बैटरी रहती है वही काम करता है। इसकी खासियत ऐसी है कि ये ज़्यादा करंट कैपेसिटी रहती है इसकी, हाई करंट रहता है इसका और कंटिन्यूस करंट देता है। इसके कारण ये हीटिंग वाला फ्यूज़ है, इसमें नाइक्रोम धातु की तार रहती है, ये गर्म होकर बलून को ब्लास्ट कर देती है। ये बलून ब्लास्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ये लाइफ टाइम चलता है। दूसरा ऑप्शन है ये सस्ता वाला जिसमें माचिस की तिल्ली जैसा ये पार्ट रहता है, एक बार यूज़ करने के बाद फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक पार्ट हो गया जो बलून को ब्लास्ट करने के लिए दो चीज़ें हैं, ये हो गया बलून ब्लास्टर के फ्यूज़, तो नॉर्मल वाला फ्यूज़ या हीटिंग वाला फ्यूज़। दूसरा कंसेप्ट आता है ये ब्लास्टर, इसको ब्लास्टर बोलते हैं। इसमें भी दो वायर रहते हैं। दो वायर का यूज़ कैसा होता है, एक वायर यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा वायर यहाँ लगा सकते हैं। इसको प्रेस करना है इस तरह से और इसमें वायर को इंसर्ट करना है, और जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, मैं एक लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे देख रहे हैं यहाँ दो इंडिकेशन अभी चालू है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए ये ब्लास्टर है, ब्लास्टर का यूज़ करते हैं।
किसी भी चीज़ को उड़ाने के लिए, इसको छोटा बम जैसा रहता ही है, पर ये स्पेशली ये पेपर ब्लास्ट पेपर शॉट के लिए लगाते हैं, रिबिन शॉट के लिए। जैसे ही मैं इसको खोल दिया, उसके बाद मैं इसको मैं फोल्ड करूँगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों को फोल्ड करके इसको प्रेस करना है। दो वायर रहते हैं इसमें, पॉजिटिव निगेटिव कोई नहीं रहता, उल्टा सीधा लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, दो वायर कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं इसको चालू कर देता हूँ, तो आप पहले देख रहे थे यहाँ दो ही इंडिकेशन लग रहे थे और अभी एक ही इंडिकेशन लग रहा है। इसका मतलब हमारा ये सर्किट में कनेक्ट है। जैसे हम इसको स्विच को प्रेस करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। और देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, एक वायर को निकाल देता हूँ। देखिए एक वायर को मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हैं एक वायर को निकाल दिया तो यहाँ दूसरा इंडिकेशन चालू हो गया। तो इसे ये दो इंडिकेशन और एक इंडिकेशन का मतलब ये है कि हमारा यदि कोई सिस्टम में या सर्किट में या वायर में कुछ प्रॉब्लम है तो दो इंडिकेशन लगेंगे। इससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि हमने जो चीज़ लगाई है, ब्लास्टर लगाया है, वो बराबर ठीक से लगा नहीं है, इसलिए ये इंडिकेशन का यूज़ होता है। तो ये आप इसे आपको पता चल जाएगा, इसको बोलते हैं ब्लास्टर। ये ब्लास्टर है, ये इसे लोहे की हाउसिंग रहती है, यहाँ पे एक छेद है, ये छेद से ये वायर को निकालना पड़ता है और यहाँ ब्लास्टर को डालता है, ब्लास्टर को इसके अंदर डालना पड़ता है। उसके बाद में ये पेपर रहते हैं, इस तरह के कटिंग पेपर है, राउंड शेप में, सर्कल शेप में, रेक्टेंगल शेप में, उसके अंदर फिल करना है और उसको फिर ब्लास्ट करना है। तो ये पेपर अच्छे तरह से उड़ते हैं और बढ़िया इफेक्ट दिखता है। तो ये लोहे की हाउसिंग हमारे पास होलसेल रेट में मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है ये रिबन है, इसको रिबिन बोलते हैं, रिबिन इसके अंदर फिल करना है, पेपर ब्लास्टर लगाना है, रिबिन फिल करना है, फिर इसको ब्लास्ट करना है। तो ये इस तरह से रहती है राउंड राउंड शेप में। तो अभी छोटे छोटे फॉर्म में है, जब ये ऊपर जाकर नीचे आएंगी तब ये 12 फीट खुल जाती है, तो बढ़िया ज़बरदस्त दिखता है। उसके बाद में ये पायरोज रहते हैं, इस तरह से ये पायरो रहते हैं, एक बॉक्स में 6 पीस रहता है। जैसे कि ऊपर इसके ऊपर लिखा है 3M, 3M मतलब 3 मीटर हाइट है, 35 ईयर्स मतलब 35 सेकंड इसका टाइमिंग रहेगा। बेस्ट कोल्ड फाउंटेन इंडोर यूज, इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और बहुत सारी वेरायटी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये इस तरह से पायरो रहता है। फ्रेंड्स यदि आप सिस्टम परचेस करते हैं तो इसमें खाँचा या स्टैंड नहीं आता पायरो को लगाने के लिए, तो दो ऑप्शन रहते हैं पायरो को लगाने के लिए। इस तरह से डबल साइडेड टेप रहता है, ये डबल साइडेड टेप को आप तोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से टेप को तोड़ना है और जिसमें चिपकाना है, जैसे ये वाला पार्ट है इसको चिपकाना है, तो पहले इसके ऊपर चिपका दो इसको और उसके बाद में ये यहाँ पे इसको स्टिक कर दो, ऐसा आपको चिपकाना है और फिर इसके पायरों के वायर यहाँ पे लगाना है। तो इसको स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, एकदम कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, कम दाम में हो जाता कम। और देखिए इस तरह से इसको निकालना है, जैसे निकाल देते हैं, और यदि आपको इस तरह से ये देखिए इसके ऊपर मिट्टी और थोड़ा सा धूल लग गया है, यदि आपको ऐसा नहीं लगाना है तो इस तरह के हमारे पास ये पायरों के स्टैंड बोलते हैं, इसको स्टैंड में मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरह से ये पायरों का स्टैंड में ये पायरों लग जाता है, ये इसको थोड़ा सा खींचना है, इसको खींचने के बाद ये ऐसा स्टैंड है, ये स्टैंड यहाँ पे लग जाता है। देखिए इस तरह से स्टैंड में भी आप लगा सकते हैं, दो ऑप्शन है, एक तो आप ये डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं या पायरों का स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल मशीन है, बढ़िया है, सभी काम में यूज़ होती है, कम दाम में मिलती है। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दिया है। यदि ये वीडियो में दिखाई गई कुछ भी आपको चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट आप अपने पास मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये सिस्टम परचेस करने का रीज़न इसलिए है, हम इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि इसमें क्या रहता है, दो रिमोट रहते हैं। दो रिमोट होने से बेनिफिट ऐसा है कि दो यदि आपके छोटे छोटे प्रोग्राम है तो एक पहला रिमोट और दूसरा रिमोट ये दो अलग अलग जगह पर लेके जा सकते हैं, मतलब 4 रिसीवर और एक रिमोट, दूसरे 4 रिसीवर और एक रिमोट। ये हम दो जैसे दो फ्रेंड है तो एक फ्रेंड को इतना आधा सिस्टम और दूसरा आधा सिस्टम आप दूसरे फ्रेंड को किराए से दे सकते हैं, बेच सकते हैं और अलग अलग लोकेशन में आप प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए बेस्ट है। दूसरा ऑप्शन ऐसा है फ्रेंड्स, दो रिमोट होने से क्या हो जाता है, यदि अब रिमोट ख़राब हो जाता है तो दूसरा रिमोट ऑप्शन के तौर पर काम कर सकता है, तो इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बढ़िया है, ज़बरदस्त है और सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट में से एक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी मिल जाएंगी और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा और हमारा ऑनलाइन शॉप है वहाँ उसकी लिंक भी मिल जाएंगी। तो जल्दी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।